अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जस्ट बी टेक और मैं हूं शफीक अहमद। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और करके दिखाने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग का ऑनरशिप जो है या जो ईमेल है वो किस तरह तब्दील कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लॉग है वो ओपन हो चुका है और हम इसमें जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स के अंदर हम सबसे पहले बेसिक में जाएंगे। बेसिक ये आप देख सकते हैं ओपन हो गई है और हमारा ब्लॉग जो है वो ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है और हम इस ईमेल को चेंज करना चाहते हैं। एडिट ऑथर्स इसमें करेंगे और उसके बाद ईमेल लिखेंगे जिस पर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। ईमेल राइट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनवाइट अथर्स, और ये जो इनविटेशन है ईमेल होगी गूगल की तरफ से वो चली गई है मतलूबा ईमेल पर जो हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए मैंने दूसरे ब्राउज़र में अपने ईमेल को खोल रखा है और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक मरतबा ताकि कुछ दोस्तों के जहन में ये ना रहे कि जी ये तो ऑलरेडी इस तरह ऐसे वैसे। तो चलिए ये जो है रिफ्रेश हो चुका है, अब इसको ओपन करते हैं ईमेल को और ये सेकंड नंबर पर मौजूद है फर्स्ट मैसेज या दूसरे में जो वो लिंक तकरीबन होगी और ये है जी इनविटेशन। इसमें क्लिक करेंगे, सबसे पहले लिखे हो एक्सेप्ट इनविटेशन पर और ये जो हमारे पास ओपन हो गया है इनविटेशन वाला पेज और इस पर जो है तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक्सेप्ट कर लेना है आपने इन्विटेशन को। तकरीबन क्लिक नहीं हुआ, अब फिर से करते हैं इसको। ईमेल भी आई हुई है आपको, ये ईमेल है आपको, फलां फलां जो चीज़ें हैं फलां जगह से रिसीव हुई हैं, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉगर जो है हमारे पास कम्प्लीटली आ गया है। ये मैंने नई ईमेल बनाई थी तो उसको मैंने ट्रांसफ़र किया था अपने पहले वाले दूसरे जो ओल्ड ईमेल था उससे। तो चलिए इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और फिर से देखते हैं। जी दोस्तों ये रिफ़्रेश हो चुका है और इसमें तमाम पोस्ट्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हम आ चुके हैं ओल्ड वाले अकाउंट में। इसमें हम इसको क्या देना चाहते हैं, ऑथर बनाएंगे, एडमिन बनाएंगे, एडिटर बनाएंगे, क्या एडमिन मतलब जो भी है हमने इसको एडमिन सेलेक्ट किया है, मतलब जितने राइट्स इसके हैं उतने ही राइट्स दूसरे के हों। अब देख सकते थे लास्ट में थोड़े कम फीचर थे, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और दूसरे वाले को तो इसके फीचर जो हैं वो कंप्लीट ओपन होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो हैं फीचर्स नहीं थे, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जी दोस्तों अब हम दूसरे ई मेल में आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी एडमिन सेलेक्ट हुआ है, अब हमने रिमूव कर देना है पहले वाले ई मेल को। जी दोस्तों आप देख सकते हैं वो रिमूव हो गई है ई मेल, अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं ओल्ड वाले को और देखेंगे आप कि हमारा वो ब्लॉग जो है वो डिलीट हो चुका है। जी दोस्तों आपने देखा ये डिलीट हो चुका है और ये ओल्ड पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।